तो आज हम स्टार्ट कौन सा करेंगे, एक्सरसाइज 13.3। ओके 13.3, दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, और लास्ट लेक्चर में फर्स्ट सेकंड किया था, आज हम थर्ड नंबर से सॉल्व करेंगे। राइट, अ 20 मीटर डीप वेल विथ अ डायमीटर 7 मीटर इज डग। क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओके, सो ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो प्लीज बी पेशेंट्स, अपना फोकस 100% यहाँ रखना, अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा बच्चों। ओके, नाउ क्वेश्चंस में दिया हुआ है 20 मीटर डीप वेल, एक वेल है, एक कुआ है, वो कितना है, 20 मीटर डीप है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो 20 मीटर डीप है। क्वेश्चन सच में जबरदस्त है बच्चों, अपना फोकस, अपना इमेजिनेशन पावर क्लियर रखना। अब अर्थ इज डिगिंग इज वेरी इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म द प्लेटफॉर्म। इसमें से जितनी भी अर्थ यानी कि मिट्टी निकली, उसको हम कहाँ क्या कर देंगे, प्लेटफॉर्म बना देंगे। बच्चों प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या हुआ, वन टाइप ऑफ क्यूबोइड जैसा, क्योंकि यहाँ 22x15 ऐसा कुछ डायमेंशन दिया हुआ है, तो 22x15 ऐसे डायमेंशन कौन से फिगर के लिए आते थे बच्चों, क्यूबोइड के लिए, क्यूबोइड। यस सर, यानी कि ये लेंथ बाय ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ बाय ब्रेथ, और आपको क्या पूछा हुआ, हाइट, जो आपके पास नहीं है, जो एच जो पूछा हुआ है वो आपके पास नहीं है, तो कॉमन सेंस यूज करेंगे, यहां से जितना हमने वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये जो वेल है, दैट इज सिलिंड्रिकल शेप के अंदर है, उसमें से जितना पानी, सॉरी मिट्टी बाहर निकलेगी और वो इस टाइप के प्लेटफॉर्म बनाने में यूज होगी, तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम लिख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्या होगा बच्चों, प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड, प्लेटफॉर्म का जो शेप है दैट इज क्यूबॉइड। ओके चलो, यस सर, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबॉइड का प्लेटफॉर्म का फॉर्मूला एल इनटू बी, एल इनटू बी इनटू एच। ओके, एल इनटू बी इनटू एच, तो अब यहां कुछ कट तो नहीं होगा, लेकिन अभी यहां हमारे पास डायमीटर, सॉरी हाइट था, रेडियस नहीं है। राइट, ओके, 3.5 डायमीटर 7 दिया हुआ है, यस सर, जिससे हमें रेडियस मिल जाएगा 3.5, डायमीटर 7 दिया हुआ है, जिससे हमें रेडियस मिल जाएगा 3.5 बच्चों। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम्स होगा, ओके, वो कितना होगा, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम जितना होगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम्स होगा वो कितना होगा बच्चों, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम जितना होगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम। ओके, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, 22/7, आर रेडियस कितना दिया हुआ है, 3.5 स्क्वायर, इसकी हाइट कितनी दी है, 20 मीटर इज इक्वल्स टू, अब लेंथ और ब्रेथ, यस सर, आपको 22 and 14 दी, 14 आपको वो पैम्पलेट है ना, वो थोड़े दिन लेट हो गए, पैम्पलेट जो मिलने वाले थे ना मंडे, वो थोड़े दिन लेट हो गए, 2-3 दिन के बाद मिलेंगे, हो ना बच्चों, क्योंकि मैं नहीं गया था ना इसलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को, यस सर, यस यस सर। अब हाइट एच फाइंड करनी है हमें, किसी की आवाज बहुत खराब आ रही है, कौन है ये, मूट रखो माइक। ओके, अब सॉल्व करेंगे, 22/7, ये 3.5 का स्क्वायर था, 3.5 × 3.5 × 20, ये 22 और 14 को नीचे ले लेंगे, तो यहाँ एच मिल जाएगा, कटिंग करें, यस सर, चलो करते हैं कटिंग, पहले ना ये पॉइंट हटा देते 35 35 के, तो वो पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो 100 हो जाएगा बच्चों, 10 10
इसमें से एक पॉइंट इसमें यस सर ओके 7 5 जा 35 22 22 कट ये 0 0 कट 2 5 जा 5 5 जा 7 2 जा 7 5 जा कितना बचा कुछ भी नहीं बचा आई थिंक ऊपर 5 और नीचे 2 बचा इफ आई मेक द प्रॉपर कटिंग सही है ना 2.5 दैट इज 2 यस सर तो 2.5 मीटर हाइट मिलेगी कितनी मिलेगी 2.5 एनी डाउट किसी को नो सर सम अच्छे है थोड़े ओके ये तो बहुत इजी था लेकिन आगे के सम थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल ऑफ अ डायमीटर सेम यही चीज लेकिन वहां जब हमने इस क्यूबॉइड शेप का यहाँ जो क्यूबॉइड शेप का हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया ये जो प्लेटफॉर्म है वो उसकी जगह यहाँ एम्ब्रेंकमेंट बनाना है और ये क्वेश्चंस मैंने देखा है कि अभी तक की स्कूल की बोर्ड की एग्जाम में इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चनों में से एक है ओके स्पेशली फॉर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत बार मैंने देखे हुए क्वेश्चंस है स्कूल के एग्जाम में ध्यान रखना ये क्वेश्चन वेल ऑफ डायमीटर यदि इस चैप्टर में से अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढना हो तो ये क्वेश्चन ज्यादातर ढूंढते हैं वेल ऑफ डायमीटर एक वेल है डायमीटर उसका बच्चों 3 मीटर है रेडियस 1.5 मीटर है 1.5 हाइट 14 मीटर है अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड इवेनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग अब उसमें से जितनी भी मिट्टी निकली इसमें से जितनी भी मिट्टी निकली वो क्या किया हमने इस कुएं के बाहर समझ लो कि ऊपर से देखो तो ये कुआ है ये बाग कुआ है ओके उसके ऊपर इसके आसपास ऐसे एम्ब्रेंकमेंट बना एम्ब्रेंकमेंट यानी कि पाली बोलते हैं उसको जिससे कोई अंदर गिर ना जाए समझ में आ गया कि बच्चों हर एक कुआ होता है जो जमीन से जमीन के ऊपर क्या होता है थोड़ा सा जैसे ये कुआ होता है ये जमीन से ऊपर थोड़ी ऐसी पाली बना देते हैं एम्ब्रेंकमेंट बना देते हैं जिससे कोई जानवर या छोटे बच्चे उसके अंदर गिर ना जाए तो वो जो पानी यानी कि मिट्टी निकली वो इसमें यूज कर ली उन लोगों ने बड़ी सी एम्ब्रेंकमेंट बना ली सर्कुलर रिंग जैसी होती है ना देखोगे तो आप बच्चों ये जो पाली गोल बनाते हैं सर्कुलर रिंग जैसे ऐसे होती है हाँ कि ना Yes, sir. Yes, ना सभी स्टूडेंट गांव के अंदर ज्यादातर देखी होगी आपके ओके खेतों में यदि कुआ होगा तो शायद बनाई होती तो देखा होगा आपने तो ऐसी कुछ पाली ऐसा कुछ एम्ब्रेंकमेंट यहाँ बनाया हुआ है नाउ उसी पाली का हाइट फाइंड करना है उसका रेडियस कितना होगा वो तो पता नहीं है लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि विथ 4 मीटर है अब ये जो कुआ था उसका रेडियस कितना था बच्चों 1.5 तो कॉमन ये 1.5 होगा ये 1.5 है क्योंकि ये वेल है अंदर का बाग अब ये जो बाग है वो कितना है विड्थ कितनी है यहाँ 4 मीटर की विड्थ 4 मीटर की विड्थ है तो एक्चुअली इस सर्कुलर रिंग का इस रिंग के लिए जो आउटर रेडियस है वो कितना होगा बच्चों 1.5 + 4 = 5.5 मीटर 5.5 और इनर रेडियस कितना होगा इस रिंग का इस कुएं जितना कुएं का कितना है 1.5 बोलो ये पता चल गया यदि ये पता चल गया बच्चों तो आपका सम हो गया ऐसा समझो पक्का क्वेश्चन है ना उसको फील करो क्वेश्चन को ऐसे उस क्वेश्चन को एज अ मैथ्स के क्वेश्चन के जैसे नहीं समझो उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ अटैच करो आप अभी भले यहां बैठे हो लेकिन आपके गांव के वो खेत की कुएं के मेजरमेंट लेना स्टार्ट करो हाँ हाँ कुआ ऐसा होता है अंदर का रेडियस ऐसा होता है बाहर रेडियस थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उसकी विड्थ इतनी होती है समझ में आ गया ऐसा कुछ इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देना है सभी को जिससे ये सम सारे इजी बन जाएगी आपको चलो अब यहाँ है तो वो सर्कुलर रिंग ऐसे ही ये जो कुआ है अंदर ये कुआ है और ये पाली बनाई उसके ऊपर समझो तो ये जो पाली है उसकी भी कुछ हाइट होती है हाँ कि ना Yes, वो आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन में पूछा हुआ हाइट ऑफ द एम्ब्रेंकमेंट वो हाइट आपको फाइंड करनी है उस पाली की हाइट फाइंड करनी है राइट कैसे करोगे हाइट फाइंड बच्चों तो यहां से जो निकला मिट्टी यहां से जो निकली वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर सॉरी 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 क्यू बोर्ड नहीं सिलेंडर वेल सिलेंडर या तो वेल सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट ओके अब एम्बैंकमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सेफ है तो उसके लिए तो अब चलो सिलेंडर का तो लगा दिया आपने पाई आर स्क्वायर एच ओके अब एम्बैंकमेंट के लिए क्या करोगे है वो सिलेंडर जैसा लेकिन पूरा सिलेंडर नहीं बीच में खोखला है क्या करोगे बच्चों सर बड़ा आउटर माइनस इनर कर लेंगे क्या कर लेंगे आउटर ये जो भाग है आउटर है वो ये कुआ का भाग है वो इनर भाग है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे समझ में आया हाँ ना बोलो यस सर वॉल्यूम ओके ध्यान रखो आप बोलोगे सर तो हम ये कट नहीं कर सकते इनर वॉल्यूम है वो तो कुएं जितना ही होता है लेकिन ये अलग है वो ये इनर रेडियस यहाँ हाइट अलग होगी इसकी हाइट अलग है समझ में आया इसलिए वो डायरेक्ट ये जो हाइट है वो वन और आर वन एच वन है आर वन एच वन और यहाँ हम क्या करेंगे हाइट जो है वो अलग है वो फाइन करनी है पाई आउटर सर पाई इनर हाँ बोलो सर ये जो एम्बैंकमेंट है उसमें आउटर रेडियस माइनस इनर थोड़ी होगा पूरे मतलब फुल जो उसका वॉल्यूम होगा उसमें से इनर माइनस करेंगे ना क्योंकि आउटर माइनस इनर तो फिर आउटर माइनस इनर तो होगा बेटा ये पूरा का पूरा बाहर का है वो वॉल्यूम है अंदर का जो कुआ का वॉल्यूम था यानी कि बीच वाला भाग वो माइनस कर दिया हमने तो मतलब पूरा सब पूरा एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम नहीं होगा एम्बैंकमेंट का तो किया मैंने ये एम्बैंकमेंट है हाँ तो आउटर एम्बैंकमेंट ये एम्बैंकमेंट है समझ ये कुआ है पहला तो ये जमीन है ये कुआ है ओके अब हमने क्या किया यहाँ ऐसे एम्बैंकमेंट बनाया समझ में आया अब इतना जो भाग है ये भाग माइनस कर देंगे तो पहले मैंने सब पूरा का पूरा ले लिया एम्बैंकमेंट इतना भाग सब कुछ ले लिया अब उसमें से मैं क्या करूँगा ये जो भाग है वो माइनस अब मिट्टी तो यहाँ ही जाएगी ना एम्बैंकमेंट के अंदर सब बीच में तो वैसे कुआ खुला रखना पड़ेगा तो वो माइनस कर दिया आउटर में से ये जो इतना भाग जो कुआ था जितना वो भाग माइनस कर दिया समझ में आ गया कि नहीं तो यहाँ जो रेडियस लेना है वो कुएं का रेडियस लेना है वेल का रेडियस लेना है क्लियर पाई 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 सभी में से कट हो जाएगा अब यहाँ आर वन कितना है दिया हुआ है 1.5 एच वन कितना है 14 आउटर रेडियस कितना है 5.5 यहाँ एच कॉमन हो जाएगा देख लो तो यस सर यहाँ एच कॉमन ला लेते हैं अब डेटा डाल दो आउटर रेडियस 5.5 होल स्क्वायर इनर रेडियस 1.5 का होल स्क्वायर इनटू एच सॉल्व करोगे तो एच मिल जाएगा क्लियर है अब ये सॉल्व करना फायेगा कि करा दूं जो 1.5 का स्क्वायर 2.25 ओके अब देखो यहाँ इस टाइप की वैल्यू होती है उसमें ऐसे 5.5 इनटू 5.5 बाद में 1.5 इनटू 1.5 बाद में ये आंसर का माइनस ऐसे करना नहीं है कौन से मेथड करोगे इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस थोड़ा मैथ्स के फॉर्मूला सीखी है तो उसको अप्लाई करो समझ में आया कि नहीं क्योंकि ये थोड़ी इजी अब इसमें आपको कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों बोलो डायरेक्टली आंसर रखकर इतना एडिशन तो कर ही पाओगे ना 1.5 और 5.57 इनटू 5.5 माइनस 1.5 4 हो गया ये इजी यदि ऐसे मल्टीप्लाई करने जाते तो कितना सॉल्व करना पड़ता और माइनस करना पड़ता ये थोड़ा इजी हो गया बच्चों हां कि ना यस सर 7 2 जा 14 2 2 जा 4 2.25 डिवाइड बाय 2 तो आपको एच मिल जाएगा कर लोगे ना यस सर ओके यस सर समथिंग अराउंड एच की वैल्यू 1.125 आएगी ओके ये किसकी हाइट है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट बोलो सम समझ में आ गया भाई बच्चों
बहुत इजी है. यस सर. यहाँ सिलेंडर वो कुआ में से जितनी भी मिट्टी निकली वो इस साइड इतने भाग में यूज की. अब हमें ऐसे तो कोई फॉर्मूला आता नहीं है, उसको ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा. तो ऐसा कोई शेप तो कोई होता नहीं है ऐसे सर्कुलर जैसा, तो इस टाइप का. तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ले लेंगे पहले. अब बीच में से ये माइनस कर देंगे बीच वाला पार्ट. तो अब ये बचेगा साइड वाला, आउटर में से इनर माइनस करिए. आउटर का पाई आर स्क्वायर एच, आउटर में आउटर का रेडियस. अब रेडियस में क्या दिया था, कुएं का दिया था आपको 1.5, और ये जो एम्ब्रेगमेंट दिया है वो उसकी विथ दी है 4. तो कॉमन सेंस है कि आउटर आपको 5.5 मिल जाएगा. उसमें सही इनर वाला एक गलती की हमने थी. ना ना सही है, सही है, इनर में 1.5 डाला है. ओके चलो सम समझ में आ गया बच्चों. यस सर. ओके सारे सम्स आईएमपीए इस एक्सरसाइज के. वैसे इस एक्सरसाइज गुजरात बोर्ड में इस साल के लिए कैंसल है, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं. ओके इस साल के लिए, आप नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो. चलो कंटेनर शेप लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सेक है. सभी को आइसक्रीम खाना हो तो ध्यान रखेंगे इस लेक्चर्स के अंदर, सभी को खिलाएंगे. चलो एक कंटेनर है पूरा का पूरा आइसक्रीम का भरा हुआ. किसका? आइसक्रीम का. 12 सेंटीमीटर. ये कोरोना ने तो आइसक्रीम खाने से भी डरा दिया है सभी को. सच बताओ कितने पेरेंट्स है जो आइसक्रीम खाने में भी मना बोल रहे हैं. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हो गए अभी इस. ना यार आइसक्रीम में सर्दी होगी तो भी ये टेंशन. अभी मुझे ऐसा ही है कि सर्दी हुई तो टेंशन आ जाता है यार, कोरोना तो नहीं होगा ना. तो हालत ऐसी कर दी है ना कोरोना ने सभी. अदरवाइज क्या करते हैं कि टेंशन बोले ना, सर्दी को हम एज ए लिबरल लेते हैं, हमारे अपनी रूटीन लाइफ का एक हिस्सा मानते थे. यदि हो न दो तीन महीने में हो तो मजा नहीं आता था, और आज सर्दी हो तो कितना टेंशन में आ जाते हैं. सही है ना? तो ध्यान रखना बच्चों. ओके अब आइसक्रीम खाने को तो मिलेगा. ओके नेक्स्ट ईयर खा लेना एक साथ, लेकिन हम क्लासेस में नहीं खाते हैं. अभी इस साल तो आपको वो भी नहीं मिला होगा, अदरवाइज वैसे क्लासेस के अंदर ही 4-5-6 बार तो हम खा लेते भी. सही है ना? पुराने स्टूडेंट होगी उसको पता है कि कितनी बार आइसक्रीम खाने को मिलता था क्लासेस के अंदर, वो सारे दिन भगवान लौटा दे. चलो डायमीटर 12 दिया हुआ है, हाइट 15 है, तो बच्चों रेडियस कितना होगा? डायमीटर 12 है तो 6 सेंटीमीटर. आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन द कॉन्स. अब इस आइसक्रीम को किस में कन्वर्ट करना है, किस में बनाना, क्या करना है? कोन के अंदर. कोन. अब इस कोन की हाइट आपको 12 सेंटीमीटर दी है और उसका डायमीटर आपको 6 सेंटीमीटर दिया है. तो डायमीटर दिया हुआ है 6 तो रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा. यस सर. और यहां हाइट आपको 15 सेंटीमीटर दी है. अब ये बच्चा बेचारा अच्छा है क्योंकि यहां आइसक्रीम आपको खाली हेमिस्फेरिकल भाग इतना नहीं देते, अंदर भी भर देते हैं. वो चीटिंग नहीं करते, राइट? ऊपर ऊपर से ही नहीं, अंदर भर देते हैं, बाद में ऊपर भरते. तो पूरा का पूरा कौन ऐसा आइसक्रीम से भरते हैं? तो समझ में आ गया बच्चों, नीचे कौन है वो भी आइसक्रीम से भरा हुआ है, ऊपर हेमिस्फीयर है वो भी आइसक्रीम से भरा हुआ है. अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कौन विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम. ये जो पैटी है, ये जो कंटेनर है, उसमें इस टाइप के कितने आइसक्रीम फिलअप हो सकते हैं. क्या करेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो कंटेनर है, इज इक्वल टू. अब कितने कौन है वो तो पता नहीं, इसलिए हम ले लेते एन. कितने कौन भर सकते वो पता नहीं, इसलिए एन इन टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो है पाई आर स्क्वायर एच. या आर वन और एच वन यूज करेंगे या आर टू और एच टू यूज करेंगे. लेकिन यहाँ ध्यान रखो बच्चों, आइसक्रीम है वो कॉन में भी है तो वॉल्यूम ऑफ कॉन भी आएगा. कॉन प्लस ये जो हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ओके ये आइसक्रीम है वो हेमिस्फीयर में भी है तो हेमिस्फीयर भी आएगा. समझ में आ गया कि नहीं? यस सर. यस सर. यस सर. वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यस सर. यहाँ R2 और H2 डालेंगे. हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या था बच्चों?
r2 लिखेंगे राइट क्यूब क्योंकि कौन का जो रेडियस होगा वही रेडियस किसका होगा हेमिस्फीयर का ओके उसके ऊपर रखा हुआ इसलिए अब यहां देखो कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकालने का ट्राई करो पाई 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 कट हो जाएगा सभी में से ओके वो बाद में करेंगे पाई r1 की वैल्यू है 6 h कितना है 50 सारा डेटा सेंटीमीटर में है भी है ना वो भी कंफर्म कर लो सेंटीमीटर 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 यस n into 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई को बाहर निकाल लूं मैं बच्चों एक काम करते हैं इसमें क्या-क्या कॉमन निकल सकता है देखो पहले कॉमन निकल से सब कुछ निकालने का ट्राई करो पाई r 2 और नीचे 3 r तो 1/3 पाई आर 2 का स्क्वायर निकल सकते हैं कॉमन हां कि ना यस सर यहां खाली h2 बचा यहां ऊपर 2 बचा पाई निकल गए r2 का क्यूब था क्यूब में से स्क्वायर बाहर निकल गए तो एक r2 बचा r2 अब देखो पाई पाई कट 1/3 n R2 का स्क्वायर R2 कितना था यहां 3 H2 12 R2 कितना है 3 ये 3 और ये स्क्वायर कट हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 15 is equals to n into 3 3 2 जा 6 6 और 2 18 आके ना 36 into 15 ये 33 और 18 यहां ले लेते हैं 18 2 जा 15 2 जा 3 5 जा तो कितने मिलेंगे बच्चों आंसर n की वैल्यू 5 और 2 10 तो टोटल कितने कौन ऐसे भर पाएंगे हम 10 कौन भर 10 यस ओके कुछ डाउट नहीं कटिंग में कुछ बाकी नहीं रहा चेक करो तो उसका आंसर सही 10 नो सर 10 नहीं आता था सही कटिंग में कुछ बाकी नहीं रहे वो चेक करो शायद चलो चलेगा ब्रेक है वो रह गया कोई बात शायद नहीं बाकी हो तो रह जाएगा और कुछ से कर लेना शायद कोई एक सम रह गया वो रिकॉर्डिंग में तो r की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.87 सिल्वर जो है कॉइन कॉइन जो है वो सिलिंड्रिकल शेप का है और उसका डेटा आर की वैल्यू दी है और थिकनेस आपको 2 mm दी है थिकनेस यानी कि हाइट 2 mm mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 सेंटीमीटर होता है 10 से डिवाइड होगा बच्चों पता है ना मिलीमीटर को सेंटीमीटर रेडियस और हाइट इस कॉन की मिल गई इस साइड हमें क्या बनाना है क्यूबॉइड बनाना है पिघल के क्या बनाना है क्यूबॉइड तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम l into b into h तो कंपेयर कर अब यहां एक कॉइन है पता नहीं कितने कॉइन है तो n कॉइन ले लेते जब भी ऐसा पूछा हाउ मेनी कॉइन तो n कॉइन ले लिए तो n into वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो समझ में आ गया क्यूबॉइड क्यूबॉइड सर क्यूबॉइड 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 ये ओके n into वॉल्यूम ऑफ कॉइन कॉइन क्या है सिलिंड्रिकल शेप का है तो पाई r स्क्वायर है यस सर पाई r स्क्वायर l into b into h l into b into h L into pi की वैल्यू 22/7 R कितना दिया 0.87 का होल स्क्वायर H है 0.2 is equals to 2 कितना दिया हुआ है 5.5 10 और 3.5 ओके ये खुद सॉल्व करोगे बच्चों N की वैल्यू आपको मिलेगी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और लंबा टाइम खींच जाएगा तो एक अच्छा सम बाकी रह जाएगी सो दैट्स व्हाई जस्ट want to you in homework right to ye aap khud se solve kar lena calculation yes sir coin ka radius 0.875 nahi hoga to 5 rakh dete 0.875 okay jaise jit wo to aage jaate jayenge sir milti hogi value lekin abhi do digit hi na the isliye main do digit likhe the chalo any doubts otherwise aap aise bhi kar sakte 1.75 divided by 2 samajh mein aaya
1.75 डिवाइड बाई 2 ऐसे कर दो तो भी आंसर मिल ही जाएगा। सब में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। नो सर। ओके नेक्स्ट सेवेंथ नंबर का। अ सिलिंड्रिकल बकेट, एक सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट, हाइट कितनी दी है उसकी 32 और रेडियस दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, सैंड से भरी हुई है। अब कॉमन सेंस है कि आप कोई भी सैंड या कोई भी चीज बाल्टी में से सैंड बाहर निकालो तो उसका जो शेप होगा वो कैसे बनेगा? ये सारी को सारी उल्टा एम्प्टी कर दो, उसका शेप कैसा बनेगा मिट्टी का? सिलेंडर जैसे। सिलेंडर। ओके आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर फिजिक्स में चैप्टर्स के अंदर, ओके फिजिक्स की सेकंड बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 10 में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के अंदर एक टॉपिक आएगा, उसमें सीखोगे कि व्हाई द मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन कैन नॉट बी 10 किलोमीटर मोर देन 10 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती। और कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे माउंटेन्स होते हैं वो कॉनिकल शेप जैसे ज्यादातर क्यों होते हैं, वो सारी चीज आप उसके अंदर सीखोगे। ओके इसका भी एक रीजन है ऐसा ही सेफ होने का, लेकिन वो अभी रीजन सिखाने लगूंगा तो पूरा लेक्चर उसमें चला जाएगा। ओके तो 11 साइंस रखोगे तब आप सीखोगे। यस। अब इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हेप इज 24, ये जो कॉनिकल हेप हुआ उसकी हाइट, ये कॉन का हाइट कितना दिया हुआ है 24, तो उसका रेडियस और उसकी स्लेंट हाइट फाइंड करनी है। हे इजी एकदम बच्चों, सम क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये आप होमवर्क में करोगे? यस क्योंकि बहुत इजी है। ओके एक आध सम खुद से ट्राई करो तो एटलीस्ट आपको भी पता चले आपसे सोल्व हो सकते कि नहीं। आर की वैल्यू वैसे अब मैंने कुछ बाकी तो रखा नहीं है इसमें होमवर्क में, तो क्या आप करो, मैंने ऑलरेडी काफी सारी चीज जो समझा दी है। चलो तब ये खाली सोल्व करो, अगर आर की वैल्यू मिलेगी वो आप होमवर्क में करना। अब एक दूसरी चीज यहाँ एल पूछा हुआ है, वो कैसे फाइंड करोगे बच्चों? आपको पता है ना एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, वो कैसे होता है? स्लेंट हाइट एल, ये हाइट एच जो 24 दी है और ये रेडियस होता है, ये इसमें पाइथागोरस लगा के आप इसको निकाल सकते हो। तो आर यहाँ जैसे मिलेगा वो यहाँ डालोगे, एच तो आपको दिया हुआ है 24 तो एल मिल जाएगा। एनी डाउट्स? एट और नाइन नंबर का हार्डेस्ट सम ऐसे टिक कर दो, हार्ड सम। ओके दो टाइप के सम्स हो गए, एक तो आईएमपी हो गए और एक हार्ड हो गए। अब ये जो सम है आपकी टेक्स्ट बुक का हार्ड में से हार्ड सम में से वन ऑफ द वन सम है, समझ में आया कि नहीं? जो सारे सारे अच्छे अच्छे हार्ड सम है जो स्टूडेंट्स को याद करना हो तो उसको रीड करना पड़ता है, यानी कि रट्टा मारना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, ऐसे सम में से एक सम है ये एट नंबर का बच्चों। लेकिन ये दो मिनट में कंप्लीट नहीं होगा तो एक काम करो सारे स्टूडेंट पहले रीजॉइन कर लो चलो, है ना, जिससे बीच में लेक्चर्स के बीच में यानी कि सम बीच में कट ना हो, कंसिस्टेंसी मिले हमें। रीजॉइन कर लो सारे स्टूडेंट।